हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा नागिन धुन हारमोनियम में कैसे बजाते हैं। बहुत ही इजी स्टेप, आप जरूर सीख जाइएगा। यदि आपके पास हारमोनियम नहीं भी है घर में तो मोबाइल ऐप आता है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और सीख जाइए, क्योंकि म्यूजिक सीखना हर आदमी का एक पैशन बन गया है। तो चलिए इसको सीखते हैं कि किस तरह म्यूजिक को नागिन धुन हारमोनियम में कैसे बजाते हैं। तीन स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है, मैं गारंटी लेता हूँ आप सीख जाइएगा। जिसको हारमोनियम का कखा गगा भी नहीं आता होगा दोस्तों, वो भी सीख जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, देखते वो तीन स्टेप क्या है और कैसे सीखेंगे हारमोनियम। आप दो मिनट में इसको सीखना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप, पूरी धुन बजा करके दिखा देता हूँ कैसे बजता है। ये इसका स्केल सी शार्प माइनर है और इसे मध्य सप्तक की पहली काली कहते हैं। तो एक बार देखिए किस तरह बजता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सब सिखा देंगे। चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या है। तो ये है पहला स्टेप, आप मेरे उंगलियों का ध्यान रखिएगा मैं किस किस बटन को दबा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही बटन है जिसको यहाँ पे इतना ही बटन में दबाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, आई होप आप समझ गए होंगे। तो कैसे बजता है देख लीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा किस तरह बजाता है। 1 2 3 4 5 6 7, मेरे उंगलियों को फॉलो कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 बटन है, इसको दबाना है। तो पहला स्टेप यहाँ पे ये होता है। ये है पहला स्टेप, आई होप आप फर्स्ट स्टेप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फर्स्ट स्टेप को। 1 2 3 4 5 6 7, अब चलते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में कैसे बजाना, एक बार बजा कर दिखाता हूँ उसके बाद। ये है सेकंड स्टेप, 1 2 3 4 3 4 3 1 2 3 4 3 4 3, तीन बार इसको दबाना है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह बटन दबाना है, कौन सा बटन को याद कर लीजिए अगर आपको उतना अच्छा से याद नहीं होता है तो। आई होप आप समझ गए होंगे सेकंड स्टेप क्या है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, 1 2 3 4, बस यही 4 है। 1 2 3 4, बस इसको 3 बार करके बजाना और अंत में 3 पर ही खत्म करना, ऐसे 3 पर ही खत्म करना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आई होप आप सेकंड स्टेप समझ गए होंगे। अब चलिए थर्ड स्टेप में देखते हैं, एक बार बजा देते हैं थर्ड स्टेप। ये है
थर्ड स्टेप, देखिए वन। दो बार यहाँ पे होगा, वन टू थ्री। आप समझ गए मेरा, उंगलियों को फॉलो कीजिएगा किस तरह कर रहा हूँ। यहाँ से फिर वापस, तो अब आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरह बजती है। यहाँ पे बस दो ही राउंड लगाना है, यहाँ पे तीन था, यहाँ पे दो राउंड। ये थर्ड स्टेप आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं नंबरिंग। वन टू थ्री फोर, थ्री फोर, थ्री फोर टू वन। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद फिर से स्टेप वन ही स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर ये पूरी धुन मिल जाएगी। फिर से अब अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, फिर स्टेप वन, तो यहाँ पे पूरी नागिन धुन कंप्लीट हो जाती है। तो एक बार मैं पूरा एक बार बजा करके दिखा देता हूँ, आप आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए पूरा धुन कैसे बजता है। इसको चार बार बजाना है, स्टेप वन को चार बार बजाना है। पे ये खत्म होता है। एक बार मैं आपको तार सप्तक में बजा देता हूँ, क्योंकि तार सप्तक में जो नागिन धुन होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है आवाज। एक बार देखिएगा, ये धुन तार सप्तक की थी। ये बहुत ही पतली और ऊंची रहती है, इसलिए इसको तार सप्तक में हम मैन्युअली इसको मध्य सप्तक में ही बजाते हैं। मध्य सप्तक में ही बजाने का अच्छा होता है, तार सप्तक में ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह वीडियो बना करके दूंगा। मैं हारमोनियम को आपको शुरू से बजाने का एक लेसन का पूरी वीडियो प्लेलिस्ट बना दूंगा, यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।